हाय बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि मलेरिया एक साल में 6 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट और चंगेज खान जैसे ग्रेट योद्धा दुनिया को तो जीत गए लेकिन अंत में मलेरिया से मर गए। ये बड़े बड़े योद्धाओं को अपने घुटनों पे लाने के लिए कौन जिम्मेवार है? एक छोटू सा प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज हैं जो कि मलेरिया कॉज करती हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेन, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और इनमें सबसे खतरनाक कौन सा है? जिसका नाम सबसे बड़ा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, क्योंकि ये मैलिग्नेंट मलेरिया को कॉज करता है जो फेटल हो सकता है। प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट्स में कंप्लीट करता है, फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो एंड ह्यूमन। अब प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल देखते हैं। ये एक मलेरिया से इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो है। अरे रुको, मैं सिर्फ फीमेल की क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि मेल शरीफ होते हैं, वो इंसान का खून नहीं चूसते, वो फूलों के रस से काम चलाते हैं। फीमेल को क्योंकि एग्स बनाने होते हैं, उसके लिए उसे कैल्शियम चाहिए होता है जो कि उसे ह्यूमन ब्लड से मिलता है, इसलिए सिर्फ फीमेल्स ही ब्लड मील लेती हैं। गंदी एनोफ्लीज मच्छरी, तेरी वजह से हुआ है सब, तेरी वजह से। वापस लाइफ साइकिल पे आ जाते हैं। तो ये एक मलेरिया से इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो है। इस मच्छरी के सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइट्स भरे हुए हैं जो कि ह्यूमंस के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम की। तो ये गई इन्फेक्टेड मच्छरी इंसान को काटने और ये इसने इंसान को बाइट कर दिया। जैसे ही अपना ब्लड मिल लेती है, ये स्पोरोजॉइट्स को ब्लड प्लाज्मा में डाल देती है। तो अब ये स्पोरोजॉइट ब्लड प्लाज्मा से कहां जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है, ब्लड प्लाज्मा में आरबीसी साइड में है तो आरबीसी में घुस जाते हैं? नहीं 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 नहीं, ये स्पोरोजॉइट्स ब्लड में तैरते हुए लिवर में जाते हैं और लिवर के सेल्स को, हेपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं। स्पोरोजॉइट्स लिवर सेल में एंटर करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। वहां वो मल्टीपल फिजन करते हैं और हजारों मीरोजॉइट्स बनाते हैं। ये मीरोजॉइट्स लिवर सेल को फाड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं और फिर एक एक मीरोजॉइट फिर से एक एक लिवर सेल को इन्फेक्ट करता है और फिर वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये साइकिल चलता रहता है जब तक कि बहुत सारे लिवर सेल्स डैमेज ना हो जाएं। इस तरीके से बहुत सारे लिवर सेल्स को डैमेज करने के बाद जब वो बोर हो जाते तो वो कहते हैं, लिवर सेल्स को तोड़ तोड़ के तो बोर हो गया, अब किसे डैमेज करूं? किसे? कौन आएगा मेरे सामने? आरबीसीज की बारी है, कम ऑन आरबीसी। ये मीरोजॉइट्स फिर से ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं और अब आरबीसी में घुस जाते हैं। आरबीसी के अंदर फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल चलता है, फिर से मल्टीपल फिजन करता है और हजारों मीरोजॉइट्स बनाता है। ये इन्फेक्टिव एजेंट्स आरबीसी को तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं और नए आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। अब ये साइकिल भी बहुत बार चलता है। आपको याद ये रखना है कि भैया आरबीसी के फटने पे एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज होता है, हीमोजोइन, जो ब्लड स्ट्रीम में जाता है और उसकी वजह से आपको सर्दी लगती है, ठंड लगती है, चिल्स आती है, जो बोलते हैं ना मलेरियल फीवर है, वो उसी की वजह से आता है। इतने सारे आरबीसी के रप्चर होने की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। अब लिवर सेल्स को भी तोड़ लिया, ब्लड सेल्स को भी तोड़ लिया, अब क्या करेगा? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मन है लेकिन ह्यूमन में नहीं कर सकता क्योंकि ह्यूमन तो वार्म ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड नहीं चाहिए मुझे। आई नीड अ कूल प्लेस टू हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मस्कीटो की बॉडी कूल होती है तो मेरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्कीटो के गट में होगी। नेक्स्ट स्टेज में प्लाज्मोडियम ह्यूमन के ही आरबीसी के अंदर अपनी सेक्सुअल स्टेजेस बनाता है जिसको गैमेटोसाइट कहते हैं। मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट बनते हैं। ध्यान रखेंगे ये गैमेट नहीं है, गैमेट हमें मस्कीटो की गट में ही बनाने हैं। अगर तो किसी मच्छर ने इस इंसान को काट लिया और गैमेटोसाइट उसकी बॉडी में चले गए तो वो फर्दर गैमेट में डेवलप हो जाएंगे, अगर नहीं तो गैमेटोसाइट डीजनरेट हो जाएंगे। अच्छा ही हुआ, खत्म करो। अगर गैमेटोसाइट मच्छर की बॉडी में चले गए तो उसकी गट में इस गैमेटोसाइट से गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। वहां पे उनकी फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बनेगा। जाइगोट फर्दर डेवलप होगा ऊसिस्ट में। इस ऊसिस्ट में बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स बनेंगे और ये स्पोरोजॉइट्स गट से माइग्रेट करके उसके सलाइवरी ग्लैंड में घुस जाएंगे। वहां पे स्पोरोजॉइट्स फिर से वेट करेंगे कि कभी ये मच्छरी फिर से एक ह्यूमन को काटेगी और मैं वहां पे ह्यूमन की ऐसी तैसी फेंक दूंगा। आई होप आप लोगों को मलेरिया का लाइफ साइकिल बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर आप बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को इतने ही आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीट 2023 के प्रिपरेशन के लिए आप हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में इनरोल करने के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। जब स्टूडेंट दिल से हमसे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें उनकी बात माननी पड़ती है। आपने कहा मैम क्रैश कोर्स का प्राइस सस्ता कर दो, तो हमने 5,000 से क्रैश कोर्स का प्राइस कर दिया सिर्फ 2,800 रुपए में। इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करो, कोड डालो RITU और आप सिर्फ 2,800 में हमारा क्रैश कोर्स अवेल कर सकते हो। ऑल्सो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और आप वहां से पूरी जानकारी।